हमें तो इसकी सेटिंग हुई है ना सारी। हाँ Why? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम मैम। मैम। वालेकुम सलाम मैम। अच्छा जी, अभी हमारे पास 37 स्टूडेंट्स हुए हैं। 19 मिनट हुए, 1 मिनट और वेट करते हैं। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जी शुरू करना है, डिटेक्टर्स हमने शुरू किया हुआ था, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब पढ़ लिया था और सिलिकॉन डायोड अरे पढ़ लिया था। आपकी क्यूरीज मेरे पास कुछ आई हुई है। आज हम डिटेक्टर को पहले खत्म करेंगे और फिर हम कल डिटेक्टर्स का क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे, ठीक है? ओके ओके मैम। चले, डिटेक्टर्स को मैं आज ना थोड़ा सा अच्छे, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, उसको मैं थोड़ा सा उसको समराइज करूंगी सारा, ताकि आप एक गो थ्रू हो जाओ। तो बेसिकली डिटेक्टर्स हमने पढ़ने हैं फॉर द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी चूंकि स्टडी ऑफ लाइट है, जब लाइट ने इंटरेक्ट करना है विद द मैटर, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि हमने उसको डिटेक्टेबल लाइट को कन्वर्ट करना है इंटू द सिग्नल्स करंट की फॉर्म में। तो इसके लिए हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ डिटेक्टर्स मौजूद हैं, विच आर डिवाइसेस दैट कन्वर्ट द इंसिडेंट फोटोन इनटू मेजरेबल सिग्नल। तो डिटेक्टर्स क्या हैं? द डिवाइसेस दैट कन्वर्ट द इंसिडेंट फोटोन इनटू मेजरेबल सिग्नल्स। प्रेजेंटेड हियर इज अ डिस्कशन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स दैट डिफाइन अ डिटेक्टर एंड एन एग्जामिनेशन ऑफ सेवरल डिटेक्टर्स जो हमारे पास यूज होते हैं इन दी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑल स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स आर मेड थ्रू द डिटेक्टर व्हिच कन्वर्ट द फोटोन इनटू मेजरेबल सिग्नल्स। एग्जांपल जो है इसकी वो कौन सी है? कॉमन एग्जांपल ह्यूमन आई दैट कन्वर्ट दिस रेंज ऑफ लाइट इनटू द सिग्नल्स। सम ऑफ द अर्लीस्ट नॉन बायोलॉजिकल फोटोन आर द फोटोग्राफिक प्लेट्स। कैमराज में जो फोटोग्राफिक प्लेट्स हैं वो सबसे अर्लीस्ट है हमारे पास डिटेक्टर्स, जो एब्जॉर्ब करती थी फोटोन को और एज अ रिजल्ट केमिकल रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम उन्हें डेवलप करते थे और कलर चेंज जो हमारे पास आता था इन द फिल्म वो अपीयर हो जाता था। अ वास्ट वैरायटी ऑफ मॉडर्न डिटेक्टर्स आर फोटोन ट्रांसड्यूसर।
अब हमारे पास क्या है, फोटोन ट्रांसड्यूसर विच ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और वो सिग्नल्स जो हैं वो एम्प्लीफाइड होते हैं और फाइनल हम उनको इंटरप्रेट करते हैं आफ्टर एम्प्लीफिकेशन। द मैनर बाय विच फोटोन्स आर कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, बेसिकली वो दो तरह के हैं, बट द डिटेक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। कौन कौन सी हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू जहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं, और दोज बेस्ड ऑन द सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ द सेमी कंडक्टर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू जहाँ करते हैं वो फोटो कैथोड डिटेक्टर, और दूसरा जो सेमी कंडक्टर सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज, ये जो हमारे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है जहाँ हमने सेमी कंडक्टर यूज किए हैं ना, वो सब क्या है? सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, उन्हें हम कहेंगे सॉलिड स्टेट कंडक्टर डिटेक्टर, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, आप सबको पता है ये फिजिकल फिनोमेना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब फोटोन एब्जॉर्ब होते हैं, एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, तो फ्रॉम द वो फिर किधर जाते हैं, वो आपके पास फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, प्रोवाइडेड द फोटॉन्स हैव एनर्जीज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन टर्म्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इन विच फोटो इलेक्ट्रॉन दैट इज गिवन बाय द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, उसको हम फिर वो कैलकुलेट कर लेते हैं, and is the work function. Many detectors exploit this effect as the ejected photoelectrons can be collected at an anode and measured as a current. So, photoelectric effect kya hai? Ke photon ne absorb hona hai. Absorb hone ke baad jo valence electron hai wo kinetic energy ki form mein eject honge. Photoelectron hum unhe kehenge, aur wo photoelectrons jo se hain wo jab anode pe collect honge unko hum measure karenge as a current. So, this is the wo conductor, these are known as the conductor which are worked on the photoelectric detector which are worked on the photoelectric effect. अच्छा, आगे क्या है आपके पास? Second was a semiconductor based detector. These are rely on similar effect. Instead of ejecting photoelectrons from the surface of the conductor, absorbed photon excite electrons from the valence band of the semiconductor into the conduction band. अब वो free to move नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ conduction band में जाते हैं. This excitation results in an electron hole pair. यहाँ पे क्या बनेगा? Electron and hole pair. Semiconductor use करेंगे, as a result वो valence band से conduction band में जाएंगे और हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनेगा, विच अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू द सेमीकंडक्टर। दिस करंट कैन बी क्वांटिफाइड एंड इंटरप्रेट विद अनअप्रोप्रिएट सर्किट। ये फर्क है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स में जहां पर के सेमीकंडक्टर्स यूज करने हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया कि बेसिक फंक्शन क्या है? नेचुरल जो हमारा डिटेक्टर है वो कौन सा है, नॉन बायोलॉजिकल डिटेक्टर कौन सा था वेरी फर्स्ट, ये तीन चार बातें जो सी फंडामेंटल हैं इसकी। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, डिटेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि जाननी बहुत जरूरी है कि डिटेक्टर्स को हम किस बेस पे एवेलुएट करते हैं, कि उसका स्पेक्ट्रल रिस्पांस क्या है, उसकी लिनियरिटी कितनी है, उसकी क्वांटम एफिशिएंसी कितनी है, और उसकी डायनामिक रेंज क्या है। दीज आर द फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स डेट कैन बी डेट आर द बेसिस फॉर द एवेलुएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि कौन सा हमारे पास डिटेक्टर मौजूद है और उसकी कितनी स्पेसिफिसिटी है। रिस्पॉन्स टाइम एंड ससेप्टेबिलिटी टू नॉइज, सर्टन टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स आर बेटर सूटेड टू पर्टिकुलर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन हाउ वेल दे परफॉर्म इन दीज एरियाज। स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स और लीनियरिटी क्या है? स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स और लीनियरिटी को पढ़ने के लिए द आइडियल डिटेक्टर वुड बी एबल टू कन्वर्ट, क्या है, क्या होना चाहिए कि जैसे ही उसके ऊपर फोटोन इंसिडेंट हो तो वो किस में चेंज हो जाए? एनर्जी में। एनर्जी फोटोन ऑफ एनी एनर्जी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड परफेक्टली लीनियर रिस्पांस होना चाहिए। आपके पास एक ग्राफ है इधर, इसमें डिफरेंट डिटेक्टर्स में के रिस्पांस कर्व है। दीज आर द रिस्पांस कर्व फॉर सेवरल सेमीकंडक्टर फोटोडायोड्स। The response given in ampere per watt of incident radiation is not only limited by semiconductor material but varies with the
फोटोन एनर्जी, ये वेवलेंथ है 200 से लेके 1800 नैनोमीटर तक की, और ये रिस्पॉन्स है इसका कि किस में, ये जो आपका यूवी विजिबल में सिलिकॉन, यूवी विजिबल सिलिकॉन का जब हम डिटेक्टर यूज करते हैं 200 से लेके 1000 नैनोमीटर के लिए वो डिटेक्ट करता है, और इसका लीनियर बिहेवियर जो है वो यहाँ से लेकर ये आपके पास 800 नैनोमीटर तक, यानी 850 नैनोमीटर तक इसका लीनियर बिहेवियर है, ठीक है जी। इसके अलावा ये जर्मेनियम है, जर्मेनियम की जो रेंज है वो शुरू होती है फ्रॉम द 700 to 1100, ठीक है। इसकी जो 1100 के बियॉन्ड जो है ये 1400 सॉरी, तो ये 1100 को कहता है कि इसके बाद जो है ना वो जर्मेनियम जो है वो इतना ज़्यादा उसकी जो लीनियरिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से ये दिस इज द कंपोजिशन है कि इंडियम गैलियम और आर्सेनिक के साथ जब हम बनाते हैं, तो अब ये हमारे पास यहाँ से रेंज शुरू होती है 900 से लेकर, तो ये तकरीबन 1700 तक आपको लीनियर बिहेवियर देता है। तो आपके पास कौन सा मटेरियल है जिसकी बेस पर और आपको तो किस वेवलेंथ की जो है वो लाइट को स्टडी करना है, ऑन डैट बेस हमें डिटेक्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। The ideal detector would be able to convert the photon into the electrical signal perfectly linear response such that the magnitude of the current produced is directly proportional to the number of photons striking the detector. कि जितने photons strike करें उतने ही number of electrons भी produce हों। The spectral response of a real detector, तो ideal क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन 100% होता नहीं है। The spectral response of the real detector is limited to small region of the electromagnetic radiation and it may be deviated. The linearity से deviate कर सकता है, जैसा कि उसने कहा है कि कुछ materials की figure में दिखाया गया है। The spectral response of a detector largely determines its usefulness for various applications. ठीक है कि कहाँ पे हमने किस material का detector जो है वो यूज करना है। ये बातें पहले हो गई कि आप जो हमारे पास सिलिकॉन फोटोडायोड्स हैं वो यूवी में यूज होते हैं, विजिबल रीजन में आर नॉट सेंसिटिव बियॉन्ड 1100 नैनोमीटर, व्हाइल जर्मेनियम फोटोडायोड्स आर इनसेंसिटिव टू, जो जर्मेनियम है वो इनसेंसिटिव है यूवी के लिए बट कैन डिटेक्ट लॉन्गर वेवलेंथ टू 1800 तक हम इसको कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम ये थी लीनियरिटी, क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है डिटेक्टर की, तो क्वांटम एफिशिएंसी के हाउ जी बेटा मैम ये स्क्रीन क्लियर कर दें, सही से टेंशन नहीं हो पा रही बेटा, ये फिर कोई कर देगा, इसीलिए मैं जो भी ये कर रहा है ना उसको इग्नोर करना चाहिए। मैं जितना आपको ये करूंगी ना क्लियर करूंगी उसका एटीट्यूड उतना ही ज्यादा वो, मैं लफ्ज यूज नहीं करना चाहती, वो स्टूपिड किस्म का होगा ना एटीट्यूड, इसलिए जो कर रहा है वो उसका करने दे, मैं इसको करूंगी तो वो और करेगा, ठीक है। इसलिए मैं फ्रॉम द डे वन इस सारी चीज को इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी है कि इसको इस वक्त एड्रेस नहीं किया जा सकता ना। ऑल राइट ओके मैम चलो, क्योंकि जो ये कर रहा है ना उसका मकसद ही है कि जो आप कोई भी अटेंटिव, क्योंकि वो खुद अटेंशन नहीं लेना चाहता तो वो कहेगा कि कोई भी अटेंशन ना ले। तो बहुत सारे बच्चे जब आप फिजिकल प्रेजेंट होते हो तब भी ये कुछ कर रहे होते हैं, तो अब इस सिचुएशन में क्योंकि हम इसको वहाँ पे भी हम इसको कुछ हद तक रोक सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की एज ऐसी है कि हम उसको उस वक्त ऐसे भी नहीं बच्चों को कर सकते, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और जो इस तरह कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑल दिस फिजिकल जो है वो हम लोग अपीयर नहीं है, फिर भी अगर वो ये एटीट्यूड शो कर रहा है, ये तो इंटरनल हर किसी की अपनी होती है कि उसे किस वक्त कैसे एटीट्यूड शो करना है, तो इसलिए आपको भी इसको बियर करना पड़ेगा। हमें वहां पर भी क्लास में भी बियर करना पड़ता था, यहाँ पे भी बियर करना पड़ेगा। तो क्वांटम एफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल डिटेक्टर कैन कन्वर्ट फोटोन इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इसको हम रिपोर्ट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड बाय द डिटेक्टर बाय द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। और इसको हमने कैसे क्वांटम एफिशिएंसी को कैसे मेजर करना है कि हमने रेशियो निकालनी है, किसकी रेशियो कि कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं divided by the number of incident photon, but can also be reported as the percent of the incident photon. और इसे हम किसमें शो करेंगे, परसेंटेज में, कि अगर हम 100 करते हैं 80 निकलते हैं तो इसका मतलब है इसकी एफिशिएंसी 80% है, अगर 50 निकलते हैं तो 50% है, और अगर 90 निकलते हैं तो 90% है। तो इसको हमने क्वांटम एफिशिएंसी को रेशियो है नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड पर परसेंट ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ओके तो सिग्नल्स डेट लेटर डेट ट्रांसलेट इंसिडेंट फोटोन डेट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू अ मेजरेबल सिग्नल,
The later definition takes into account the effect of noise and other signal loss within the system and represent a more accurate measure of the efficiency of the detector. तो वो कहते हैं आइडियल डिटेक्टर 100% होना चाहिए और एग्जिस्ट सेवरल टाइप ऑफ रियल डिटेक्टर्स दैट अप्रोच दिस लिमिट विद द एबिलिटी टू डिटेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ सिंगल फोटोन. अगर हम सिर्फ क्वांटम एफिशिएंसी को देखें तो ये जो थैंक यू बेटा जो भी है ठीक है गॉड ब्लेस यू. देखिए आप चीजों को जो अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना सिचुएशन को वही इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है. डिग्री ले लेने से आप बीएस की डिग्री ले लोगे एमएससी की डिग्री ले लोगे तो आप पढ़े लिखे नहीं होगे. ये आपकी आपकी पर्सनालिटी होती है. ट्राई टू पॉलिश इट. एनीवे थैंक यू वंस अगेन. एन आइडियल डिटेक्टर वुड हैव अ क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ 100% एंड देयर एग्जिस्ट सेवरल टाइप ऑफ रियल डिटेक्टर्स दैट अप्रोच दिस लिमिट विद द एबिलिटी टू डिटेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंगल फोटोन. नेक्स्ट इज द डायनामिक रेंज. अभी तक हमने दो पढ़ ली प्रॉपर्टीज, एक लिनियरिटी, दूसरा क्या था क्वांटम एफिशिएंसी कितनी है उसकी डिटेक्टर की. थर्ड है डायनामिक रेंज क्या होती है. डायनामिक रेंज इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू जनरेट अ रिलायबल सिग्नल रिलेटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. इंटेंसिटी जो इंसिडेंट रेडिएशन की क्या है उसके रिस्पेक्ट से कितनी एबिलिटी है कि वो रिलायबल सिग्नल सिग्नल टू नॉइस रेशियो कितनी बनती है. Detector have a wide, very high dynamic range, will be able to measure both extremely weak and extremely strong photon source. ठीक है ना. अब इसका क्या मतलब है dynamic range का. थोड़ा सा ये tricky है कैसे कि वो कहता है कि बहुत weak signal को भी ये बहुत थोड़ी सी intensity वाले को भी ये detect करेगा और high strong photon source को भी ये detect करेगा. But this is often connected to decrease in overall sensitivity. लेकिन इसके नतीजे में क्या होता है overall sensitivity जौन सी है वो कम हो जाती है. Overall sensitivity कैसे कम होती है कि as the range of measurable intensities decreases, range of measurable intensities increases, the ratio of signal to the maximum possible signal becomes smaller. Ratio of signal to the maximum possible signal बिकम वो स्मॉलर हो जाएगी. जितनी रेंज जोन सी है वो उसकी ज्यादा होगी उतनी ही जो रेशियो होगी सिग्नल की मैक्सिमम पॉसिबल सिग्नल की वो स्मॉलर हो जाएगी. विच लीड्स टू अ स्मॉलर चेंज इन द सिग्नल फॉर द सेम इंसिडेंट इंटेंसिटी. ठीक है जिसकी तकरीबन जो इंटेंसिटी सेम होगी उसके सिग्नल जोन से ओवरऑल वो वीक हो जाएंगे और लोअर सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी उसकी लो हो जाएगी. एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिटेक्टर जो होंगे have to relatively small dynamic range. जो sensitive detectors हैं उनकी dynamic range कम होगी और अगर dynamic range ज्यादा है तो वो आपके जो signals हैं जो कि weak हैं जो strong हैं उन सब की कुछ ना कुछ peaks तो आएंगी लेकिन क्या होगा कि उनको उनको differentiate करना is not an easy task. The photomultiplier tube which is capable of detecting single photon can be easily damaged or destroyed when exposed to even moderate level of incident radiation. kehta photomultiplier tube jo ki detect karti hai ek single electron ko bhi usko hum easily wo damage ho jati hai destroy ho jati hai jab wo even moderate level of incident radiation ko wo detect kar rahi hoti hai. theek hai ji. to ye tha dynamic range aapka clear ho gaya point. उसके बाद क्या आता है क्या था इसको क्या, जितना ज्यादा वो सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा होगी डायनामिक रेंज उतनी कम होगी. डायनामिक रेंज जिस इंस्ट्रूमेंट की ज्यादा होगी उसकी सेंसिटिविटी कम होगी. रिस्पांस टाइम एज द नेम शोज रिस्पांस क्या होता है द जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम एन इंसिडेंट फोटोन ऑन अ वेरी फास्ट कि जैसे ही टाइम स्केल उसका मेजरेबल टाइम स्केल जो है वो बहुत थोड़ा हो विच वेरीज बाय डिटेक्टर टाइप. द रिस्पॉन्स टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम necessary before a detector is able to generate another signal. दूसरे सिग्नल को प्रोड्यूस करने से पहले जनरेट करने से पहले जो पिछले का टाइम है वो कितना टाइम लेता है उसको हम कहेंगे रिस्पॉन्स टाइम. द फास्टर द रिस्पॉन्स टाइम मोर क्विकली वेरिएशन इन इंसिडेंट रेडिएशन कैन बी रिजॉल्व. आइडियल डिटेक्टर वुड हैव जीरो रिस्पॉन्स टाइम दो इट इज एन इम्पॉसिबल इन रियल डिटेक्टर. सम डिटेक्टर्स फोटो डायोड अरे which use multiple detector elements arranged to gather spatial information can have response time on the order of millisecond aur jo aapka photo cathode detector hai wo have response time on the order of nanosecond. theek hai na jitni uske andar spatial arrangement kam hogi spatial jis tarah humne jo humne padha hai ki photo diode array mein hamare paas electrons banne hain hole banne hain move karna hai
तो वो उसका जो टाइम है डिटेक्शन का वो मिली सेकेंड में, और फोटो कैथोड डिटेक्टर्स में क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन ने पर जनरेट होना है उन्होंने एनोड की तरफ कलेक्ट होना और डिटेक्ट हो जाना है, तो यहाँ पे जो है वो नैनो सेकेंड उसका रिस्पॉन्स टाइम है और यहाँ पे मिली सेकेंड है। नॉइस जो है वो बहुत तरह की होती है और डिटेक्टर्स में नॉइस को मिनिमाइज करना ही जो है सिग्नल्स की हमें स्पेसिफिसिटी और उसके ऊपर रूल्स होते हैं कि सिग्नल्स को कितने अच्छे शार्प पीक्स आ रही हैं। All detectors generate small signals that do not correspond to absorption of photon, and these signals are collectively termed noise. Noise does not contain any useful information and important to minimize. Higher signal to noise ratio mean more sensitive the detector. ये बात पहले भी हो गई है। अब noise उसने कहा कि different type की होती है। Short noise, shoot noise, dark current noise, thermal noise, generation recombination noise, and readout noise. शॉर्ट नॉइस, डार्क करंट नॉइस, थर्मल नॉइस, जनरेशन, अब ये जो आपके पास थर्मल नॉइस है, जनरेशन रिकॉम्बिनेशन एंड रीडर नॉइस, ये तीनों इसके नेम से पता चल रहा है कि ये किस वक्त प्रोड्यूस होगी ना। तो जो आपका डार्क करंट और शॉर्ट नॉइस है, ये आपने डार्क करंट भी हमेशा देखा पड़ा था कि जब इंस्ट्रूमेंट बंद होता है तब जब हम लाइट सोर्स बंद है जब तब हम जो सिग्नल्स देखते हैं उन्हें डार्क नॉइस कहते हैं। ये अब शॉर्ट नॉइस आपने नहीं पढ़ा, इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिस्क्रीट नेचर ऑफ फोटोन, ठीक है ना। एंड हाउ अ डिटेक्टर जनरेट अ डिस्क्रीट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, कि कितने उसके ऊपर फोटोन पड़ेंगे और एज अ रिजल्ट कितने फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे उसमें से थ्रू इट्स इंटरेक्शन विद फोटोन। इन फोटोन डिटेक्टर द सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटी। क्या है शॉर्ट इलेक्ट्रॉन, वो कहता है कि जब हमारे पास जितने फोटोन उसके ऊपर फॉल करेंगे उतनी ही उसके ऊपर आनी चाहिए, उतने ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने चाहिए, लेकिन जब हम स्टैटिस्टिकली उसको जो रिजल्ट्स हैं जब हम उन पर स्टैट्स अप्लाई करेंगे तो क्या होता है कि वो नंबर ऑफ फोटोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट नहीं होते। How detector generate discrete number of photoelectron? Its interaction with photon. In photon detector, the signal is directly proportional to the number of incident photon and the associated uncertainty. जो short noise किसे कहते हैं? वो uncertainty in this measurement arises from the statistical probability of whether or not a photoelectron will be emitted when a photon is absorbed. ठीक है, अब ये क्या है, ये वो सारी कैलकुलेशंस हैं, वो सॉफ्टवेयर और वो जो स्टैटिस्टिक्स अपने अप्लाई करनी है उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी हमें पता है। जब हम कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि हमने एक पॉइंट को जब हम एक पॉइंट को जब उछालते हैं टॉस करते हैं तो टू उसकी जो है वो सिचुएशन 50% प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उसके वो वन साइड आएगी 50% सेकेंड। तो जब हम उसके ऊपर ये सारी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी हम जब मेजर करते हैं तो उसकी वजह से जो वेरिएशंस आती हैं उनको हम शॉर्ट नॉइस कहते हैं। And or not a photo electron will be emitted when a photon is absorbed. This uncertainty gives rise to the random fluctuation in the signal and manifest as noise. Signals की जो इस तरह की fluctuation होंगी उन्हें हम कहेंगे short noise. In detector with quantum efficiency भी हमने यही कहा था, quantum efficiency के जब एक photon हो तो एक electron निकले, less than unity तो शॉर्ट नॉइस उसकी ग्रेटर होगी। जिसकी क्वांटम एफिशिएंसी एक से कम होगी तो उसकी शॉर्ट नॉइस जो सी है वो लॉजिकली ज्यादा होगी। बट इज मोस्ट एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज वेरी लार्ज एंड दस द सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज आल्सो लार्ज मेकिंग द शॉर्ट नॉइस इनविजिबल इज स्मॉल। तो ठीक है ना, ये इतनी ज्यादा उसमें आ नहीं रही होती व्हेन कंपेयर टू द ओवरऑल सिग्नल। तो ये हर मेजरमेंट में मौजूद होती है लेकिन इनविजिबली स्मॉल होती है, इसलिए हम इसको इजीली नेगेट कर सकते हैं। हम कहते हैं ये कब जो है वो प्रोमिनेंट होती है, कंट्रीब्यूटेड टू ओवरऑल नॉइस व्हेन द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बहुत स्मॉल होंगे तो तब आपके पास ये शॉर्ट नॉइस जो सी है वो कंसिडरेबल अमाउंट में ज्यादा होगी। थर्मल नॉइस क्या होती है, थर्मल नॉइस को अनदर नेम है जी जॉनसन निक्विसिट नॉइस। ये कंडक्टिव मटेरियल की वजह से, अब कंडक्टिव मटेरियल को जब हमने वोल्टेज उसे देनी है जब उसके ऊपर फोटोन पड़ने हैं तो क्या है उसका जो हर मटेरियल की अपनी के वो हीट अप हो जाएगा, उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, तो अकॉर्डिंग टू डैट मटीरियल टू मटीरियल जो थर्मल नॉइस है वो
वेरी करेगी. द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर अलाउज फॉर द फ्री मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स. अब ये रैंडम मोशन ऑफ जब चार्ज जब रैंडमली मूव करेंगे प्रोड्यूस स्मॉल करंट फ्लक्चुएशन इन द सिस्टम. एज द स्पीड विद विच द चार्ज कैरियर्स मूव इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. द थर्मल नॉइज कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिटेक्टर. नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन को हम यूज करते हैं एज अ कूलेंट. क्या आपका जो जो डिटेक्टर है उसमें जहाँ पर भी ये सारे काम ये सब कुछ हो रहा है स्पेशियल चेंजेस आ रही हैं उसको हम कूलेंट के अंदर रखें जिसका टेम्परेचर कंट्रोल में रखें. डार्क करंट नॉइस इज जनरेटेड बाय फोटोन डिटेक्टर इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द फोटोन. दिस टाइप ऑफ नॉइस इज थर्मली जनरेटेड बट इंस्टेड ऑफ करंट फ्लक्चुएशन ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स. डार्क करंट नॉइस इज क्रिएटेड बाय थर्मो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो कैथोड. कि आप उसके ऊपर फोटोन नहीं पड़े लेकिन चूंकि वो आपका इंस्ट्रूमेंट हीट अप हो गया जिसकी वजह से हीट अप होने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो डिटेक्ट होते जा रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए आप इसकी वजह से जो भी होगा उसे हम डार्क करंट कहेंगे. हम पहले भी इसका पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही, इसको आप पढ़ लीजिएगा. और फिर हम इसको डार्क करंट नॉइस की बात हमारे पास आ जाता है जनरेशन रिकॉम्बिनेशन नॉइस. 20 मिनट पर शुरू किया था, आधे घंटे की क्लास, 30, 40 और 50 अभी चले हमारे पास 7 मिनट है. तो another form of noise affecting only semiconductor based डिटेक्टर में जनरेशन रिकॉम्बिनेशन जो होल और इलेक्ट्रॉन ये कहाँ पे पढ़ना है उन कंडक्टर्स में ये सिचुएशन आनी है जहाँ पे सेमी कंडक्टर बेस्ड डिटेक्टर है कि जो आपके पास होल बन रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं निकल रहे हैं फ्री मूव कर रहे हैं वो जब उसकी इतनी काइनेटिक एनर्जी है कोलिजन है उनकी डिप्लीशन जोन इतना ज़्यादा नहीं है तो क्या होगा कि वो जनरेशन और बनेंगे और साथ ही रिकम्बाइन कर लेंगे बनेंगे और रिकम्बाइन कर लेंगे. तो दिस टाइप ऑफ नॉइजेस अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हेन फोटोन एक्साइट फोटो इलेक्ट्रॉन इन अ सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट फ्लक्चुएट्स ड्यू टू द स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्साइटेशन अकरिंग. द रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर चेंज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर. इसकी वजह से जो उसकी थर्मल उसकी हीट अप होने की वजह से जो ये चेंजेस आएंगी वो आपके सिग्नल्स में भी अपीयर होंगी. जब वो सिग्नल्स में अपीयर होंगी तो इतने फोटोन उनके ऊपर स्ट्राइक नहीं किए हैं जितने आपके पास जो वोल्टेज जो चेंज हो रही है जो इसकी करंट चेंज हो रहा है विच अराइज द करंट फ्लक्चुएशन. जो हम फिर स्टैटिस्टिकली हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कम आएंगी. तो ये जो डार्क करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो भी फ्लक्चुएशन करेंगी. और ये सब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉर्ट नॉइस एज अ रिजल्ट कौन सा ये आपके पास सिग्नल्स को डिस्टर्ब करेगा. तो आपके पास जनरेशन रिकम्बिनेशन नॉइस इज अ पैरामीटर टू डिटेक्ट द डिटेक्टर्स सेंसिटिविटी. रीड आउट नॉइस का क्या है कि अब आपका जो रीड आउट डिवाइस है रीड आउट नॉइस इज फैक्टर इन डिटेक्टर दैट इंटीग्रेट सिग्नल्स. अब आपके वो जो थर्मोकपल और डायोड एनोड कैथोड इस सब से निकल कर जब सिग्नल कौन सा है वो रीड आउट डिवाइस के पास चला गया है जब वो रीड आउट डिवाइस के पास चला गया है तो रीड आउट डिवाइस ने कौन सा है वो क्या करेंगे वो कलेक्ट करेंगे और स्टोर करेंगे चार्ज ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. एंड व्हेन द चार्ज कलेक्शन इज कंप्लीट द एक्युमुलेटेड चार्ज इज रीड ऑफ द कलेक्शन ग्रिड अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व मूविंग पैकेट ऑफ चार्ज बिटवीन मल्टीपल इलेक्ट्रोड फॉर मेजरमेंट और कन्वर्टिंग चार्ज सिग्नल इनटू वोल्टेज यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर. Each movement or conversion of packet is subject to the gain or loss of small number of electrons, and the change in the number of electrons in each packet give rise to the readout noise. ठीक है जी, तो यहाँ से मैं आपको दोबारा एक दफा एक्सप्लेन करती हूँ. Readout noise is the only factor in detector that integrates signals. ठीक है, these detectors collect and store charge over an extended period of time. और जब ये चार्ज कलेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो ये रीड ऑफ के लिए जाती है. accumulated charges इनको रीड ऑफ किया जाता है कलेक्शन ग्रिड पे. ठीक है, अब रीड ऑफ इन कलेक्शन ग्रिड कौन सा प्रोसेस है मूविंग पैकेट्स ऑफ चार्ज बिटवीन मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स फॉर मेजरमेंट और कन्वर्टिंग दिस चार्ज सिग्नल इनटू वोल्टेज. ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करके
ये कर देना। अच्छा मेरा ख्याल है कि अब हम यहाँ से ही खत्म हो रहा है, इसको शुरू किया था। अच्छा आप लोग मुझे सुन रहे हैं कि खत्म हो गया? सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा आप ना इसको मुझे दोबारा रिज्वाइन करें, ठीक है? ओके मैम, हाँ जो जूम ऐप है वो डाउन हो गई है, तो हमारी क्लास की काफी बच्चियां जो वेट कर रहे हैं लेकिन उनका कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा आप लोग मुझे ना, अभी 47 हो रहे हैं, आपकी क्लास अगली 9:15 बजे शुरू होनी है। मैम yes, ऑफ है आज। आज ऑफ है? जी। चले चले ठीक है, आप मुझे रिज्वाइन करें फिर हम ऑफ एंड आज की दोबारा क्लास लेते हैं, ठीक है? चले ओके ओके, मैं ऑफ कर रही हूँ।